प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूप चंटी की जीएस गुरु में। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए। तो क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये कक्षा 12 समाज शास्त्र है, विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पिछले बोर्ड की परीक्षाओं में। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, भारतीय समाज में अस्पृश्यता की अवधारणा तथा इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता में बच्चों क्या होता है, छुआछूत, छुआछूत हम लोग क्या कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं। तो भारतीय समाज में अस्पृश्यता की अवधारणा तथा इसके प्रभाव का जो है विवेचना करना है। उत्तर देखेंगे हम लोग, देखो समान बोलचाल की भाषा में अस्पृश्यता को छुआछूत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, छुआछूत कहते हैं। यह जात व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित दूषित पक्ष है जो धार्मिक एवं कर्मकांडी दृश्य अशुद्धता एवं शुद्धता के पैमाने पर सबसे निम्न मानी जाने वाली जातियों, मतलब सबसे निम्न मानी जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक अनुशासित दंडों का विधान करता है। यथार्थ में अस्पृश्यता मानी जाने वाली जातियों को बच्चों, जातियों का जाति सोपान या जो है अधिक्रम में कोई स्थान ही नहीं है। वे तो इस व्यवस्था से बाहर है, उन्हें तो इतना अधिक अशुद्ध एवं अपवित्र माना जाता है जिसके कारण अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को तो अत्यधिक कठोर दंड भुगतना पड़ता ही है। उसे पुनः शुद्ध करने के लिए अनेक शुद्धिकरण क्रियाएं करनी होती हैं। सत्य तो यह है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में दूर से अशुद्धता की जो है धारणा विद्यमान थी। अस्पृश्यता की संस्था शारीरिक संपर्क से बचने या अछूत से दूर रहने का आदेश तो देती ही है, साथ ही तथाकथित अछूत के लिए अनेक सामाजिक अनुशासितियों की जो है व्यवस्था भी जो है करती है। अस्पृश्यता के बच्चों तीन मुख्य आयाम है, वो कौन कौन है। पहला है अपवर्जन या जो है बहिष्कार। दूसरा है बच्चों अनादर या अधीनता, जो अनादर करते हैं। तीसरा है बच्चों शोषण, यानी जो शोषण होता है। देखो यद्यपि अन्य यानी अस्पष्ट माने जाने वाली नीची जातियों को भी जो है कुछ हद तक अधीनता और शोषण का जो है सामना करना पड़ता है। दलितों को तो जो है बहिष्कार के इतने भयंकर रूप भुगतने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों तो दलित को बहुत परेशान किया जाता है, उदाहरण जैसे उन्हें कुआं, हैंडपंप, खाट आदि पेयजल के समान स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता है। वे सामूहिक धार्मिक पूजा आराधना पूजा पाठ में सामाजिक समारोहों और त्योहारों उत्सव में भी भाग नहीं ले सकते बच्चों, यानी उनको जो है बहुत परेशान किया जाता है। आगे क्या है भैया देखेंगे, साथ ही उनसे जो है अनेक छोटे काम जोर जबरदस्ती से कराए जाते हैं, जैसे किसी धार्मिक उत्सव पर जो है ढोल नगाड़े बजाना। उन्हें तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों के प्रति जबरदस्ती सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अनिच्छा पूर्वक कई व्यवहार करने पड़ते हैं, यानी जो है दलितों बच्चों बहुत परेशान किया जाता है। जैसे थोड़ा उदाहरण लिख लेना, जैसे टोपी या पगड़ी उतारना, उन्हें पहने हुए जूतों को जो है उतार कर हाथ में पकड़ कर ले जाना, बड़े लोगों के सामने ले जाना, सिर झुका कर खड़े रहना, एकदम साफ या चमचमाते हुए कपड़े नहीं पहनना आदि। इसके अलावा अपशब्द सुनना और अपमान सहना तो उनका जो है रोजमर्रा का काम है बच्चों, यानी रोजमर्रा बेचारा जो गरीब दुखिया है उनको जो है परेशानी किया जाता है, रोजमर्रा अपशब्द सुनने पड़ते हैं भाई। आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। हालांकि आज उनका प्रयोग एक दंडनीय अपराध माना जाता है। महात्मा गांधी ने इन जाति नामों के निंदात्मक आरोप को दूर करने के लिए 1930 ईस्वी में 1930 के दशक में उन्हें हरिजन बच्चों नाम दिया। देखो हरिजन कहा जाता है, हरिजन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परमात्मा के बच्चे, यानी ये भी भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं कहकर जो है पुकारा किसने, महात्मा गांधी ने शुरू किया। यह काफी लोकप्रिय हुआ। भारतीय भाषाओं में दलित शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है पैरों कुचला हुआ, यानी पैरों में कुचला हुआ, और यह उत्पीड़ित लोगों का जो है घोतक है। यह शब्द ना तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गढ़ा गया था और ना ही अक्सर उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। जो नेतृत्व में दलितों को सशक्त बनाने के लिए चलाया गया था, 1970 के दशक में मुंबई में हुए जाति दंगों के दौरान इस शब्द का जो है प्रयोग बहुत व्यापक रूप से किया गया। पश्चिम भारत में जो है दलित पैंथर नाम का जो उग्र समूह उभरा, अलग पहचान बनाने के लिए जो है इस शब्द का जो है प्रयोग किया गया बच्चों। तो ये था बच्चों जो है आज का जो है ये जो विस्तृत क्वेश्चन जो जनजाति जो
निचले जाति वगैरह से संबंधित था, जो दलित के दलित से संबंधित था। तो वीडियो बच्चों कैसा है, वीडियो अच्छा लगा पसंद करना, थैंक यू।